हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ BAP वर्सेस VEN के मैच के बारे में, जो एशिया स्टेडियम का मैच नंबर 15 होने वाला है। तो हमेशा की तरह सारी बातें आपको बताऊँगा, कौन कौन से प्लेयर आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में। तो मेरे भाई, अगर आप इस मैच में सिंगल रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो शायद ही कोई अपनी टीम में लेके आए और वो आपको एक तरफा विन करवाने का दम रखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ, जहाँ पे हम आपको फ्री टीम प्रोवाइड करते हैं और हमारा जो विन रेट है वो 80% है, 80% प्लस, ठीक ना। मतलब हम 10 में से 7 to 8 मैचेस इजी विन करते हैं, अच्छा खासा आप लोग प्रॉफिट कमा लोगे। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो भाई लोग, देख सकते हो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। कल हमने ग्रैंड लीग भी विन की थी, देख सकते हो आप लोग। 339 मेंबर में #1 रैंक, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 606 मेंबर में #1 रैंक। 400 रुपये लगाकर बंदे ने 6500 रुपये कमा लिए, और टीम ये रही हमारी, ठीक ना। टीम प्रूफ भी आप लोग देख सकते हो, तो कुछ फेक वाला सीन नहीं है भाई, आप सब कुछ आपके सामने ही है, ठीक ना। देख सकते हो मेंबर का रिव्यू था ये, देख सकते हो आप लोग। तो ऐसा ही फ्री में आपको टीम मिलता रहेगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप में मिल जाएगा, जाके सब लोग ज्वाइन कर लो। कमेंट बॉक्स में आपको पता होगा, आप लोग क्लिक करोगे तो जो फर्स्ट कमेंट होगा उसी में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन कर लेना भाई, काफ़ी ज़्यादा आपका विनिंग होने वाला है, देख सकते हो बैक टू बैक विनिंग हो रहा है हमारा T10s में। और भी जो मैचेस मैं कवर करता हूँ सभी में आपको बैक टू बैक विनिंग देखने मिलेगा। तो सब लोग ज्वाइन कर लेना, आपका अच्छा खासा विनिंग करवाने की गारंटी हमारा है। अब बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो भाई लोग, पहले हम बात करते हैं BAP टीम की। तो यहाँ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे अरसलान अख्तर, साथ में नगर इकबाल, और थर्ड पे आएंगे हसन अली, और चौथे पे गुलाम दस्तगीर। भाई देखो, गुलाम दस्तगीर काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं और ओपनिंग आ रहे थे स्टार्टिंग के मैचेस में, लेकिन लास्ट के दोनों मैचेस में इनका जो बैटिंग ऑर्डर है डाउन हो चुका है। मतलब चौथे में आपको बैटिंग करते हुए देखिए लास्ट मैच में, और भाई कुछ कंफर्म नहीं है कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो बैटिंग ऑर्डर के मध्य मतलब बैटिंग ऑर्डर को देख के मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि आपको किस ऑर्डर में बैटिंग करके देंगे ये। तो फाइनल टीम जो फाइनल जो अपडेट होगा इनके रिलेटेड, तो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, ज्वाइन कर लेना सब लोग। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स के टॉप में मिल जाएगा। सब लोग ज्वाइन कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए फाइनल टीम और अपडेट के लिए, ठीक ना। तो ये होने वाला है इनका टॉप ऑर्डर, चार ऊपर के बैट्समैन, आप लोग ध्यान रखो। आप बात करते हैं बॉलिंग का, तो यहाँ से मुदस्सर अली जो काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, दो अपने ओवर कम्प्लीट डालेंगे। रसल भुया दो ओवर कम्प्लीट डालेंगे। नगर इकबाल, इलियास अहमद और आदिल अहमद, और भाई कुछ ओवर कट के एक दो और बॉलर हैं इनमें। ये तो 7 ओवर का मैच हुआ था रेन की वजह से, इसीलिए थोड़ा मतलब सबको ओवर नहीं मिला। तो जो जो ओवर कंप्लीट डालेंगे तो मैं आपको फाइनल टीम में बता दूंगा, टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा, और सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना सब लोग। मैं आपको सब अपडेट वहीं पर दूंगा कि कौन सा बॉलर आपको 2 ओवर कंप्लीट डाल के देगा, कौन सा नहीं। तो अब बात करते हैं दूसरी टीम की, ठीक ना। तो आपको उनका स्टैट्स दिखा देता हूँ एक बार। तो भाई लोग, अब बात करते हैं VEN टीम की। तो यहाँ से हसन अहमद आपको ओपनिंग करते देखेंगे, साथ में आपको नसीमुल हॉकी। तो इसी के बेसिस पर हम लोग आप टीम बनाते हुए चलते हैं साथ में, ठीक ना। तो यहाँ से एक सर इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, दस्तगीर गोलाम ओपनिंग करके देंगे, ओपनिंग या फोर्थ नंबर पर बैटिंग आपको कुछ भी दे सकते हैं। तो फाइनल जो अपडेट होगा मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, आपको ज्वाइन कर लेना। हसन अहमद आपको देखेंगे 2 ओवर की बॉलिंग करते हुए देखेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप लोग देख सकते हो हसन अहमद फर्स्ट राउंड बैटिंग करेंगे, सॉरी ओपनिंग करेंगे, प्लस आपको 2 ओवर की बॉलिंग देंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आप सभी के लिए। और यहाँ से नजमुल हॉकी भाई खतरनाक बैट्समैन है, टॉप क्लास का बैट्समैन है, इनको आपको लेके चलना है। यहाँ से ए मियाँ का देखते हैं हम। देखो भाई, ए मियाँ आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करते हुए देखेंगे, और बॉलिंग का देखते हैं। तो बॉलिंग भी आपको 2 ओवर देंगे, तो काफ़ी अच्छे पिक रहेंगे ये भी। तो इनको भी हमें अपनी टीम में कवर करना है। तो 4 प्लेयर ये हो गए। अब बात करते हैं ऑलराउंडर की। यहाँ से रसल मियाँ आपको 2 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग डाल के देंगे, लास्ट के मैच में भी इन्होंने 3 विकेट लिया और काफ़ी अच्छा खासा पॉइंट दिया, ठीक ना। तो इनको लेना है, नगर इकबाल को लेना है ओपनिंग प्लस 2 ओवर का बॉलिंग। मुदस्सर अली को हम लोग ट्राई करेंगे अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो, फिलहाल के लिए मैं इनको नहीं ले रहा। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन पर। यहाँ से आई अहमद आपको देखेंगे, इनका दिखा देता हूँ आपको रिकॉर्ड। ये मतलब अच्छे बॉलर हैं ये भी BAP की टीम की तरफ से, तो इनको भी आपको लेना है अपनी टीम में। देखो भाई, रसल भुया का क्या सीन है, ये स्टार्टिंग में अपना ओवर कंप्लीट कर देते हैं, इसलिए मतलब कम चांस है इनको विकेट मिलेगा, इसलिए मैं फिलहाल के लिए एस असीम। और यहाँ से आर चौकीदार VEN के टीम के बॉलर है, और VEN की जो बैटिंग है ना बहुत गजब की बैटिंग है। एच अहमद, एन हेक्यू और ए मियाँ तीनों की क्लासिकल प्लेयर है। तो यहाँ से आर चौकीदार इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं कि ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच हो गया अगर, तो प्रेशर में BAP के जो बैट्समैन है वो हिटिंग करेंगे, इस केस में VEN के बॉलर्स को विकेट मिल सकते हैं, ठीक ना, इसका ध्यान रखना आप लोग।
तो ये हो गए हमारे 10 प्लेयर कंप्लीट। अब फाइनल प्लेयर कंडीशन पे डिपेंड करेगा, अगर अगर यहाँ से VEN की टीम की तरफ से कोई प्लेयर ऐसा होगा जो नहीं खेल रहा होगा स्टार्टिंग में, तो इनका टॉप ऑर्डर वीक हो सकता है। उस केस में मैं यहाँ से रसेल भैया को ले लूँगा, क्योंकि ये ओपनिंग में ही बॉलिंग डालेंगे, मतलब स्टार्टिंग में ही बॉलिंग डालेंगे, तो उस केस में गुड अमाउंट ऑफ विकेट ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एम अली को लेकर चल रहा हूँ। तो मेरा भाई कुछ इस प्रकार से आपको हमारी स्मॉली किट दिखेगी। बात करते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टन सिलेक्शन की, तो कैप्टनसी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेंगे यहाँ से एज अहमद और एन इकबाल। इन दोनों में से किसी एक को मैं कैप्टनसी दूंगा अपना, ठीक है, और वाइस कैप्टनसी हो सकता है इन दोनों में से किसी को। देखो भाई, कैप्टनसी मैं ऐसे दे रहा हूँ एच अहमद को, वाइस कैप्टनसी दे रहा हूँ नगर इकबाल को। काफ़ी कम सिलेक्शन है दोनों का ही। लास्ट मैच में आर मियाँ ने भाई 3 विकेट का ले लिया इनका सिलेक्शन, देखो कैप्टनसी का 47%, लेकिन इस लायक के हैं नहीं है, मतलब हैं अच्छे बॉलर, लेकिन भाई सिर्फ बॉलर्स को मतलब इतना ज़्यादा कैप्टन सिलेक्शन मिलना, मतलब भाई बेवकूफ़ी वाली बात है, ठीक ना। तो एच अहमद आपको ओपनिंग प्लस दो ओवर का बॉलिंग देगा, सेम यहाँ से नगर इकबाल के साथ है। तो मेरे भाई कुछ इस प्रकार से आपको हमारी स्मॉली क्रिकेट दिखेगी। और आपको पता है T10 जैसे मैचेस में कुछ कंफर्म नहीं होता, कौन सा प्लेयर खेलेगा, कब खेलेगा, कौन सा बॉलर आपको दो विकेट दो ओवर डाल के देगा, कुछ कंफर्म नहीं होता इसमें, ठीक ना। तो इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स के टॉप पे मिल जाएगा, क्योंकि वहीं पे मैं आपको फाइनल टीम और अपडेट दूंगा, कौन सा बॉलर आपको दो ओवर डाल के देगा, कौन सा बैट्समैन आपको किस नंबर पर बैटिंग करके देगा, पूरा लाइनअप भेजता हूँ आपको स्क्रीनशॉट के साथ, और टीम भी देता हूँ जिसमें आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा विनिंग कर सकते हो। तो मेरे भाई ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।